कल तक किया था हमने सोमरफील्ड इफेक्ट, और सोमरफील्ड इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे बोर। आज हम बोर एटमिक मॉडल से रिलेटेड मैथमेटिकल पोर्शन करने वाले हैं। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट, कितनी रेडियस पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के कंपैरिजन में। ठीक है, फर्स्ट हैंड डालते हैं रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट। रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स है, ध्यान से देखिए। इन स्टेबल एनर्जी लेवल, स्टेबल एनर्जी लेवल पर क्या कंडीशन बनी हुई है? स्टेबल एनर्जी लेवल पर कंडीशन है एम वी आर इक्वल्स एन एच बाय टू पाई। इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल है एच अपॉन टू पाई के, तो वी कितना हुआ एन एच अपॉन टू पाई एम आर, करेक्ट, बोर कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, वाइल रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, एम वी स्क्वायर बाय आर इक्वल्स 1/4πε0 Q1 Q2 by R। अब यह Q1 क्या चीज है? Q1 है आपका चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि हाइड्रोजन के एटम में सिर्फ एक ही न्यूट्रॉन होता है, तो चार्ज ऑफ न्यूक्लियस भी कितना है? E है। और Q2 क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये भी E रखेंगे आप, करेक्ट। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, देखिए V की वैल्यू तो यहां से उठाकर रखिए आप, ये क्या रखेंगे V की वैल्यू हम? M by R तो ये बना, और V की वैल्यू रखनी है एन एच बाय टू पाई एम आर होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स 1/4πε0 ई बाय आर स्क्वायर। सॉल्व करते चले जाएं, इसको सॉल्व करते चले जाएं, क्या बना देखो, ये आर स्क्वायर और आर स्क्वायर तो खत्म हो जाएंगे यहां से, है ना, और ये बनेगा आपका 4π² और यहां 4π है, तो यहां बचा आपका एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय पाई आर, ये वाला r बच गया और पाई स्क्वायर में से एक पाई बच गया, 4 यहां से कैंसिल हो जाएगा, इजिकल्स टू 4π खत्म हो गया, क्या नीचे m, अच्छा हाँ ये वाला m बच गया, तो ये वाला m कैंसिल होकर के एक m बच जाएगा, करेक्ट। अब इसके बाद क्या बचा, ये e स्क्वायर बाय एप्साइलन नॉट, और यहां से हमें फाइंड करना है r, r को सब्जेक्ट बना लीजिए, तो r आपका बन जाने वाला है r इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर और इसके साथ जाएगा एप्साइलन नॉट डिवाइडेड बाय पाई ई स्क्वायर m, पाई ई स्क्वायर m। यहां देखिए इस फॉर्मूले में एप्साइलन नॉट कांस्टेंट है अपने आप में, एच भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, केवल वेरिएबल कौन है? एन वेरिएबल है, तो इसका मीनिंग आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर।
आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर। ठीक है, अब इससे देखिए क्या इंटरप्रिटेशन निकलता है। हम बड़ा गलत गलत बनाते हुए आए डायग्राम अब तक। रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट आर वन, रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट आर टू, रेडियस ऑफ सेकेंड थर्ड ऑर्बिट आर थ्री, रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट, इनमें क्या रेशियो निकल कर आएगा? 1:4:9 एंड सो ऑन अप टू एन स्क्वायर। कैसे अब तक हम बनाते हुए आते थे? हम क्या करते थे, बीच में पॉजिटिव न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड, है ना? ये इक्विडिस्टेंस नहीं है, पहले वाले की जितनी रेडियस है, जितनी पहले वाले की रेडियस है अगले वाले की रेडियस उससे कितनी है, चार गुनी है। तो यहां से जितना डिस्टेंस, अगर आपने ये आधा सेंटीमीटर का लिया तो अगली बार 1.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना पड़ेगा आपको यहां से यहां तक बनाने के लिए। इक्वी स्पेस्ड नहीं है। अगले वाला कितना है, 9 टाइम्स। तो अब ये क्या होगा, अब ये आपको यहां बनाना पड़ेगा, समझ रहे हैं? पहला स्पेस और कम है, दूसरा स्पेस और ज्यादा है, तीसरा स्पेस और कम और ज्यादा है। ऑर्बिट्स आर नॉट इक्वी स्पेस्ड, इक्वी स्पेस्ड नहीं है सारे के सारे ऑर्बिट। फिर रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट अगर हम फाइंड करें, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट आर वन, रेडियस ऑफ ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट फाइंड करेंगे तो एन की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, और आर वन कितना बचेगा आपका, एप्साइलन नॉट एच स्क्वायर बाय पाई ई स्क्वायर एम। सारी की सारी कांस्टेंट है यहां पर, सारी की सारी कांस्टेंट है। सब्स्टिट्यूटिंग स्टैंडर्ड वैल्यूज, सब्स्टिट्यूटिंग स्टैंडर्ड वैल्यूज, आर वन आपका निकल कर आता है 0.5295 एंगस्ट्रॉम। कितना निकल कर आता है, 0.5295 एंगस्ट्रॉम। ये पहली, ये कौन सी रेडियस है, ये न्यूक्लियस के जस्ट बाद जो सबसे पहला ऑर्बिट पड़ रहा है उसकी रेडियस है। बता सकते हैं इससे अगले वाले की रेडियस कितनी होगी, इससे 4 गुनी, फिर उसके बाद वाले की रेडियस कितनी होगी, इससे 9 टाइम्स 9 गुनी। समझ आ गए, जल्दी से कीजिए। रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट, यहां इस जगह छोटा सा स्टेटमेंट लिखना है, यहां यहां हमने क्या लिखना पड़ेगा, ऑर्बिट्स आर नॉट इक्वी स्पेस्ड, उसके बाद आप ये वाले करेंगे। यह छोटा सा एक सेंटेंस ले दीजिए, दैट इज ऑर्बिट्स आर नॉट इक्वी स्पेस्ड। कीजिए फटाफट। अब फाइंड करते हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। MVR इक्वल्स क्या है, NH अपॉन 2 पाई। तो V इक्वल्स कितना बनेगा, NH डिवाइडेड बाय 2 पाई MR, NH अपॉन 2 पाई M, और R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, जो अभी पीछे हमने फाइंड किया R की वैल्यू कितना फाइंड किया है, रेसिप्रोकल कर दीजिए ना उसका, क्योंकि अपॉन में आ रहा है यार, पाई ई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसके बाद इसे सॉल्व कर लीजिए आप। सॉल्व करने के बाद आप देखिए, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट, एक एन से एन कैंसिल हो गया, एच से एच कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा आपके पास, ई स्क्वायर, करेक्ट, एम खत्म हो गया, अपॉन में क्या बचता है, टू एन
एच एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो यहां से क्या पता लगा आपको, देखिए यहां पता लग रहा है कि v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, बाकी सब कांस्टेंट है। मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी सबसे तेज है, सेकेंड ऑर्बिट में और कम है, थर्ड ऑर्बिट में क्या है और भी कम हो जाएगी। और अगर रेशियो आप लेंगे इसका तो रेशियो कितना निकल कर आएगा, वी वन इज टू वी टू इज टू वी थ्री और अप टू वी एन, कितना बनेगा, वन बाय वन इज टू वन बाय टू वन बाय थ्री एंड वन बाय एन, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट में निकालने के लिए फर्स्ट ऑर्बिट में वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट एन इज इक्वल टू कितना बनेगा, वन बनेगा, तो v1 इज इक्वल टू कितना बना आपके लिए, e square अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट h मीटर पर सेकेंड, और ये सारे के सारे कांस्टेंट हैं। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग स्टैंडर्ड वैल्यूज, v फर्स्ट ऑर्बिट में वेलोसिटी निकल कर आती है कितना, 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड, 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। और याद रखिएगा ये केवल हाइड्रोजन एटम के लिए कर रहे हैं हम, केवल हाइड्रोजन एटम के लिए, बाकी यहां देखिए आप ध्यान से, जब हमने शुरुआत की थी तो Q1 चार्ज ऑन हाइड्रोजन न्यूक्लियस वन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर हमने रखा था, तो और यही ध्यान से देखिए यही R का फॉर्मूला हम आगे यूज कर रहे हैं। जितने भी ये सब पढ़े जा रहे हैं फॉर्मूले, ये सब किसके लिए एप्लीकेबल है, केवल और केवल हाइड्रोजन एटम के लिए ही एप्लीकेबल है। बोर मॉडल ही केवल किसके लिए एप्लीकेबल है, हाइड्रोजन एटम के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। कीजिए अब फाइंड करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंपल है, एक दूसरे में सब्स्टिट्यूट करते चले जाओ। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज इक्वल टू होता है r ओमेगा, राइट, और ओमेगा को क्या लिखते हैं, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। तो फिर अब फ्रीक्वेंसी कितना बना, v बाय 2 पाई r, v की वैल्यू उठाकर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, v की वैल्यू कितनी है अभी फाइंड किया है, e स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 n h एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई r की वैल्यू उठाकर सब्स्टिट्यूट कीजिए, r की वैल्यू कितनी थी अभी आ रही थी, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय पाई e स्क्वायर m, ओके और इन सबको आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा, जरा जल्दी से करो सॉल्व, क्या बनेगा आंसर, कितना बना, e टू दी पावर 4 m डिवाइडेड बाय कितना, 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n क्यूब एच क्यूब, है ना, और इसे हम क्या लिखेंगे, रिवोल्यूशन पर सेकेंड, ये आपका बन गया फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू वन हो गई, है ना, और बाकी सारी वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तब ये आंसर निकल कर आएगा आपका 6.65 इंटू 10 टू दी पावर 25 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, पहले ऑर्बिट में ये फ्रीक्वेंसी आ गई। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फर्स्ट ऑर्बिट में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, सेकेंड में और कम, थर्ड में और कम, फोर्थ में और कम हो जाएगी। जैसे कंप्लीट जल्दी